रूल, रूल ना हो गया संविधान हो गया, इंग्लिश ना हो गई गणित का ज्ञान हो गया। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको छुटकारा दिलाऊंगा इन रूल से, आज हम सीखेंगे एरर डिटेक्शन विद लॉजिक। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वेलकम टू योर चैनल डियर सर। स्टडी मतलब एरर डिटेक्शन या एडिटिंग जिसे हम 10th क्लास में कहते थे, जो आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर डिटेक्शन बन गई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको इंग्लिश का एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसके अंदर एक गलती होती है और आपसे कहा जाता है कि अपनी जादू आंखों से गलती ढूंढ कर दिखाओ, सही आंसर लिखो और पूरे मार्क्स पाओ। लेकिन ये करना इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ग्रामर के बहुत सारे रूल्स आपको याद करने पड़ते हैं। याद क्या करने पढ़ते हैं, रटने पढ़ते हैं, और रटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आपको ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैंने क्या किया है, आपके सामने ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और इन वर्ड्स का ना अपने आप में एक एक सेपरेट रूल है जो आपको रटवाया जाता है। लेकिन अब रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इन सब का पोस्टमार्टम करूंगा आपके सामने। लॉजिक देखना और फिर आप भी आसानी से कर पाओगे। तो शुरुआत कर लेते हैं विद के साथ से। विद का रूल ये होता है, विद का रूल ये होता है, एग्जाम्पल दो ना सर, क्या रूल बता रहे हो, एग्जाम्पल दो। चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे रवि और विद हिज वाइफ इज गोइंग टू आगरा, ये हमारा सेंटेंस है। अब सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि भाई रवि जो है अपनी वाइफ के साथ आगरा जा रहा है, इसका यही तो मीनिंग निकला है। और विद का ना पता है क्या रूल है, विद का एक रूल ये है कि जब विद का इस्तेमाल होता है तो ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आती है ये वाली। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। ये हमारा रूल था, जिसे कहते हैं एज सच रूल था, जो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं, अब मेरी सुन लो जरा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसकी हिंदी बनाओ और हिंदी क्या निकली वो मुझे बताओ। हिंदी ये निकली कि भाई जो रवि है वो अपनी वाइफ के साथ आगरा जा रहा है। आगरा जा रहा है आवाज निकली ना, है निकली है ना, और है जब आता है तो क्या लगाते हो, इज लगाते हो, एम लगाते हो, आर लगाते हो। भाई इज ही तो लगाते हो, एम आर तो लगता ही नहीं, एम तो आई के साथ आएगा, आर प्लूरल के साथ आता है की जब आवाज आती है। तो ये तो मुझे भी पता ही था कि भाई इज ही आएगा। अगर मुझे आप ये रूल रटवाते भी ना, तब भी मैं इज ही लगाता यहाँ पे। अब यही वाला रूल ना विद के साथ भी लगेगा, टुगेदर विद के साथ भी लगेगा, और अलोंग विद के साथ भी लगेगा, इन एडिशन टू के साथ भी लग जाएगा, और एज वेल एज के साथ भी लगेगा। एग्जाम्पल और देखते हैं मेरे साथ। एग्जाम्पल है मान लो आपका अमरेंद्र बाहुबली, बाहुबली अलोंग विद क्या नाम था उनका मामा का, अलोंग विद मामा कटप्पा, मामा कटप्पा इज प्लेइंग, और आजकल सब क्या खेलते रहते हैं वो पबजी, अब तो राष्ट्रीय खेल बना देना चाहिए इसको। आओ चलो अभी एग्जांपल देखो इसको, बाहुबली अपने मामा कटप्पा के साथ पबजी खेल रहा है, आवाज क्या निकली, रहा है ही में तो निकली है। अब रूल रटोगे क्या कि भाई जब ना अलोंग विद आएगा ना तो मैं ना सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। अरे क्यों टेंशन में आ रहे हो, सिंपल देखो ना कि भाई अलोंग विद है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाना है, प्लूरल है तो प्लूरल लगाना है। लेकिन साथ में हिंदी तो देखो क्या जा रही है कि बाहुबली अपने मामा कटप्पा के साथ पबजी खेल रहा है की आवाज आ रही है की आवाज थोड़ी आ रही है। तो कितना लॉजिकल है ना, बिल्कुल लॉजिकल है, कुछ भी तो नहीं था इसके अंदर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पबजी खेल रहे आपके आपके जो पापा है वो आपको यूं थोड़ी कहते होंगे कि चिंटू अपने दोस्त के साथ पबजी खेल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं क्या? अरे नहीं भाई, ऐसे बोला जाता है चिंटू अपने दोस्त के साथ पबजी खेल रहा है। यही रूल यहां पर अप्लाई किया मैंने। तो ये जितने भी देख रहे हो आप विद हो गया, ये जितने भी मैंने टिक किया है उन सब में यही वाला कॉमन सेंस है, और बाकी में भी यही कॉमन सेंस है। अभी मैं थोड़े से और एग्जाम्पल देता हूं आपको और आपके सारे भ्रम तोड़ देता हूं। दोस्तों अब हम देखेंगे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन अभी आप भी तो मुझे अपना थोड़ा लॉजिक दिखा दो। आओ मेरे साथ कुछ एग्जाम्पल है उन्हें करते हैं। द बॉस विद ऑल हिज मैन वॉज मैसेकर्ड। अब मैसेकर्ड का मीनिंग सुन लो, मैसेकर्ड का मीनिंग होता है कत्ल करना या कोई नरसंहार जिसे कहते हैं ना, ये इसका मीनिंग होता है। अब हमारा रूल क्या था, हमारा रूल ये था कि भाई पहले इसकी हिंदी बना के देखेंगे अपने शब्दों में। तो क्या है,
दो बॉस जो बॉस है अपने आदमियों के साथ मारा गया, कत्ल किया गया, गया गए नहीं हुआ है ये, तो गए नहीं हुआ है तो यानी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। अब वॉज लगाए यहाँ पे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई, यही इसमें आना चाहिए था। तो ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्या था हमारा? द बुक और, अरे भाई अब और वाला है, और के भी बहुत सारे रूल बताए जाते हैं और सीखते हैं क्या है। द बुक और द पेन इज इन द ड्रॉअर, के बुक या पेन ड्रॉअर में है, में है, में है, में है, इस मतलब है, बात खत्म हो गई। अब कौन सा रूल ढूंढ रहे थे तुम? क्या है लगाओगे कि बुक या पेन ड्रॉअर में है? जी ये हिंदी नहीं होती है, ठीक है। तो इस यहाँ पर लगा था और बड़ा लॉजिकल था, वही हमने लगाया है। तो और वाला भी हमने अच्छे से देख लिया, ये वाला भी, ठीक है, ये भी रूल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। माय पेरेंट्स एज वेल एज, अरे भाई कंजंक्शन आ गई, एज वेल एज, और देखते हैं। एज वेल एज का मतलब होता है कि साथ ही, या के साथ, या साथ साथ, ये इसका मीनिंग निकलता है। आओ, कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, साथ ही मेरे टीचर मेरे आइडल हैं। आवाज क्या निकली? आइडल है, आइडल है, मेरे पेरेंट्स आइडल है। वर्ब कौन सी लगी है? इज लगनी है क्या? अरे नहीं सर, इज थोड़ी लगेगी, यहाँ लग जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पे आवाज ही निकली थी क्या, मेरे आइडल है की आवाज आई थी, और देखा जाए तो पेरेंट्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल था, इसलिए आर का इस्तेमाल हमने कर लिया है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई भाई आपकी, तो आप तो बड़े अच्छे लॉजिक लगाने लगे। अब एग्जाम का क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ तो पता चले। अब क्या है, एग्जाम में पूछा गया था, SSC के एग्जाम का क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम, तो ये ए पार्ट तो ये रहा, क्या इसमें कोई एरर है? देखना है हमें, ठीक है। तो लेकिन अलोंग विद वाला भाई साहब, अलोंग विद का इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर। अब रूल देखते हैं क्या है भाई आगे का। आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, अब इसकी हिंदी बनाओ जल्दी से, वही हिंदी बनाओ, क्या दी गई भाई? जो कैप्टन था अपनी टीम के साथ क्या कर रहा है? अपनी टीम के साथ ही प्रैक्टिस कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, मैं आर क्यों लगा दिया? अरे आर तो आना ही नहीं था यहाँ, तो कैप्टन, कैप्टन के बारे में बात हो रही थी ना, तो कैप्टन के साथ हम यहाँ लगाना चाहिए था इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी के, भाई बी के अंदर एरर है, क्योंकि यहाँ पे आर लगा रखा है, यहाँ इज आना चाहिए था। तो हमने SSC का भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया। SSC हो, बैंकिंग हो, कोई भी हो, 10th का हो, 12th का हो, कहीं पे भी अगर एरर डिटेक्शन या एडिटिंग आएगी, आप यही वाले लॉजिक लगाना। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, हाँ जी बढ़ जाते हैं आगे, जो हमारे और है उनको भी अच्छे से समझते हैं, ऐसे ही सारे। अब आ जाओ, जैसे ये वन ऑफ, इसमें थोड़ा लॉजिक है, ये देखना, ये भी बड़ा मजेदार है, इसमें मजा आएगा आपको। वन ऑफ का इस्तेमाल होता नहीं कि वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन, अगर ऐसे है। अब इसकी हिंदी बनाओ, इसकी हिंदी ये बनी कि भाई जो एक बॉक्स है ना वो ओपन है। वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन, वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन, अब इज लगाया है यहाँ पे या नहीं लगना चाहिए, आप बताओ मुझे कि भाई एक बॉक्स ओपन है की आवाज आई है कि है की आवाज आई है? भाई है की आवाज आई है, यानी सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे बॉक्सेस में से एक बॉक्स ओपन है, एक की बात हुई है ना। तो यहाँ पे अब चाहे वन ऑफ बॉक्सेस आ जाए यहाँ पे, या यहाँ पे डॉल्स आ जाए, या कोई भी आ जाए, बॉयज आ जाए, या कुछ भी आ जाए, आपको अपना लॉजिक लगाना, और मैंने आपको लॉजिक बताया है, रूल भी आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ, ऐसे ही ईच का कार्यक्रम चलेगा। ईच का मतलब क्या होता है? प्रति, प्रति की हिंदी बनती है ना इसकी, कि ईच ऑफ दीज, मान लो ये सेंटेंस हमारा, दीज हॉट डॉग्स, ईच ऑफ दीज हॉट डॉग्स इज हॉट। अब इसके अंदर मैंने यहाँ इज लगाया है, इज क्यों लगाया है? इज भाई पहले रूल बता देता हूँ, रूल ये कहता है जब ईच ऑफ आए और फिर कोई प्लूरल आए, कोई प्लूरल हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो, तो आपकी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा था, लेकिन मैं तो हिंदी निकाली के भाई जो ईच ऑफ दीज हॉट डॉग्स है, कि इनमें से जितने भी हॉट डॉग्स है, इनमें से जो भी हॉट डॉग है, हर हॉट डॉग क्या है? गर्म है, गरम है, एक की बात हुई थी, तो इज लगाना था ना, सिंगुलर था, वही मैंने किया है। कुछ गलत कर दिया क्या? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ जाओ, देखो ईच ऑफ भी हो गया, वन ऑफ भी हो गया। अब एवरीबॉडी, अरे पिछली वीडियो में भी समझाया था, अब दोबारा से एक लॉजिक और बताता हूं। लॉजिक क्या है? एवरीबॉडी यानी हर कोई, अब कुछ भी लिख दो,
जो भी आखिरी में आवाज आई वो देखो, हर कोई चाहता है की आवाज आई, यानी एक की आवाज आई तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। हर कोई चाहता है या हर कोई करता है, हर कोई सीखता है, हर कोई गाता है, तो एवरीबडी सिंग्स, एवरीबडी सेज, तो सिंगुलर वर्ब लगी ना, बड़ी लॉजिकल थी क्योंकि इसकी हिंदी भी तो ही निकल रही थी। अब देखते हैं नो वन का कॉन्सेप्ट। नो वन की हिंदी होती है कोई नहीं। अब कोई नहीं की कोई सेंटेंस बनाओ कि कोई नहीं मरना चाहता है, मरना चाहता है की आवाज आई ना, है की आवाज आई, यानी इस वाली आवाज आई, सिंगुलर वाली आवाज आई। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। वॉन्ट्स क्योंकि एक सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर की ही आवाज आ रही थी, यही रूल था, यही लॉजिक था। आगे बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। अरे न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अरे इनमें तो कुछ है ही नहीं। मैथमेटिक्स लग ऐसा रहा है कि कोई प्लूरल वर्ड है, लेकिन ये तो एक सब्जेक्ट का नाम है ना, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है, और मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ भी सिंगुलर होता है, तो इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब लग जाती है। अब एक somebody बच गया था, somebody आप मुझे बताओ क्या करना है इसमें, इसमें भी कुछ नहीं है। somebody, कोई मुझे बुलाता है, तो इसमें भी एक सिंगुलर की आवाज आई थी, तो सिंगुलर ही यहां पे वर्ब यूज की जाएगी। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, नाउन से रिलेटेड। नाउन भी कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, ऐसे नाउन जो किसी एक ग्रुप को दिखाते हैं, जैसे कोई टीम, टीम के अंदर प्लेयर बहुत सारे हो गए, लेकिन टीम एक वर्ड से हमें पता चल गया कि इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, ग्रुप को दिखा रहा है प्लेयर के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, भाई सिंगुलर वर्ब आएगी कलेक्टिव नाउन के साथ, ये जनरल रूल है। एग्जाम्पल के तौर पर द कपल ईट्स टूगेदर, यहाँ पे कपल एक कलेक्टिव नाउन था और ईट के साथ एस लग गया, यानी सिंगुलर वर्ब आ गई। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन सुनिए, एक्सेप्शन ये है, अगर हमारा कोई कलेक्टिव नाउन इस तरह से इस्तेमाल हो रहा हो कि उसके जो मेंबर हैं वो अलग अलग कोई सेपरेट काम कर रहे हो, तो उसके अंदर प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे द कपल, अब भी कपल है, लेकिन अब आ गया आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टुडे, क्योंकि वो अलग अलग कार इस्तेमाल कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गई। ये एक्सेप्शन है, कभी कभी ऐसा होता है। तो मुझे उम्मीद है आपने ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से सीख लिया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए कमेंट में, और अब ये वीडियो हर जगह शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए इंस्टाग्राम पे, हमें फॉलो कीजिए। तब तक बने रहिए डियर सर के साथ। थैंक यू।